brought to you by Physics Wala. प्रयागराज के इस दरिंदे ने जो किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह आरोपी कर्नलगंज इलाके में गर्ल्स हॉस्टल चलाता है। उसी गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने की शर्मनाक करतूत की गई। दरअसल यह आरोपी कम दाम में लड़कियों को हॉस्टल में कमरा देने का लालच देकर फंसाता था। उसने लड़कियों के बाथरूम में लगे शावर में हिडन कैमरा लगा रखे थे, जिससे वो वीडियो बनाता था। आरोपी आशीष खरे ने इसके लिए बाकायदा एक कंप्यूटर लैब भी बना रखी थी, जहां से वो वीडियो देखा करता था। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को गर्ल्स हॉस्टल के रूप में किराए पे दिया हुआ था। कम किराए पे ये गर्ल्स को ये हॉस्टल अवेलेबल कराया करते थे, और उसी हॉस्टल के बाथरूम में शावर के अंदर से तार ले जाके और इन्होंने अपने कंप्यूटर लैब में उसे अटैच किया था। और बाथरूम में जो भी जाता था तो वो उसका व्यू अपने कंप्यूटर लैब में देखा करते थे और उसकी रिकॉर्डिंग किया करते थे। और डेफिनेटली उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, FIR दर्ज की गई है, और इसमें जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उनका उसे सीज कर लिया गया है। इसका शक तब हुआ जब एक लड़की बाथरूम में नहाने पहुंची तो शावर से पानी ठीक से नहीं निकल रहा था। शावर को खोला तो उस लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं। शावर से स्पाई कैमरा और तार दिख रहा था। तब लड़कियों को इसकी जानकारी हुई और हड़कंप मच गया, जिसके बाद लड़कियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मौके पर पुलिस हॉस्टल पहुंची तो इसकी पड़ताल की तो ये मामला सही पाया गया। लड़कियों ने बताया कि आरोपी ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर लैब में ही बिताता था। बच्चे थे, उन्हीं को कुछ शक हुआ क्योंकि वो एक बगल में कंप्यूटर लैब था जिसमें वो बैठा भी करता था, तो उनको कुछ शक हुआ होगा, जरूर उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ उनको ऐसा लगा होगा। शिकायत की गई उनके परिजनों द्वारा और उसकी जांच की गई, जिसमें ये तथ्य बिल्कुल सही पाए गए। शावर जो है जिसमें कि हिडन कैमरा लगा हुआ था और कंप्यूटर सिस्टम पूरा सीज किया गया और उसमें वो लगा हुआ पाया भी गया, वो वायरिंग बिल्कुल इंटैक्ट थी अंदर। और जो आशीष करे है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ़ FIR समुचित धाराओं में पंजीकृत करके उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय में। पुलिस ने आरोपी खरे के पास से कई हार्ड डिस्क बरामद की हैं, जिसमें लड़कियों के वीडियो सेव हैं। आरोप है कि आरोपी आशीष इन वीडियोस को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और इन वीडियोस को बेचा भी करता था। इसकी भी जाँच पुलिस कर रही है। हाँ, ये संभावित था कि ये इससे ब्लैकमेलिंग कर सकते थे उन बच्चों को और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका विक्रय वगैरह भी कर सकते थे। इसीलिए जो वीडियोस हैं वो भी बरामद हैं, उन्हें सीज कर दिया गया है, मौके पे ही सीज कर दिया गया और कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा बरामद हुआ है। जिसने भी इस खबर को सुना वो दंग रह गया। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हॉस्टल सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन हॉस्टल के अंदर ही अगर ऐसे हैवान रहेंगे तो भला लड़कियां शहर से बाहर जाकर कैसे सुरक्षित काम कर पाएंगी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।